वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना दो आप कार और इस ब्लॉक का, मैं आपका फैन हो जाऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है और उसको इमेजिन कैसे करना है। ये बोल रहा है अ कार बिगिंस टू मूव एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एंड देन एक्सेलरेट अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक विद अ स्पीड वी इज इक्वल टू टू टी स्क्वायर। भाई स्पीड बता रहा है वी इज इक्वल टू टू टी स्क्वायर, इसको देखते ही पता चल जाएगा हमें कि भाई डी वी बाई डी टी तो इसका 4t है, इसका मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन है। क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन है, बहुत बढ़िया बात, यानी कि एक्सेलरेशन बदलता रहेगा तो ये तो अच्छी बात है, स्लीपिंग तभी होती है। अब बोल रहा आफ्टर द एंड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना, द कार कंटिन्यू टू मूव अ कॉन्स्टेंट स्पीड, भाई 2 सेकंड तक तो चलती है, तो एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2 अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 4t, और t इज इक्वल टू 2 पे अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो 8 आएगा, बहुत अच्छी बात है। बट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी t इज इक्वल टू 2 पे, वेलोसिटी का तो फॉर्मूला दे ही रखा है इसने, ठीक है ना, तो वेलोसिटी हो जाएगी 2 इंटू टी, ठीक है 8, लेकिन ये बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो 8 हो गई है, और अब ये बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ एक्सेलरेशन द कार कंटिन्यू टू मूव कॉन्स्टेंट स्पीड, 8 की स्पीड से वो कॉन्स्टेंट उस पर चल रही है। तो ये बोल रहा है स्मॉल ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द कार बिगिंस टू स्लिप एट टी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना भाई, टी इज इक्वल टू 1 पे जो ब्लॉक है वो स्लिप करना शुरू कर देता है जो इस कार की सरफेस पे रखा हुआ है, एंड स्टॉप एट टी इज इक्वल टू 3, और टी इज इक्वल टू 3 पे वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। चलो भाई बड़ी अच्छी बात है, फाइंड द कॉफिशेंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक। पहले तो इमेजिन कर लो कि भाई एक हमारे पास ये कार है, ठीक है ना, और ये कार चल रही है आगे, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, ब्लॉक भी इसके साथ साथ आगे चल रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि टी इज इक्वल टू 1 पे वो स्लिप होना शुरू कर देता है, ये इसका मतलब इनके बीच का फ्रिक्शन, इस कार की सरफेस और इसके बीच का फ्रिक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर इस पे देखा जाए तो स्लिप तो पीछे को ही होगा, तो भाई इसको पीछे की तरफ ही तो स्लिप होगा चलते चलते, तो आप देखो उस वक्त इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो भाई टी इज इक्वल टू 1 पे अगर एक्सेलरेशन देखा जाए तो टी इज इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन होगा 4 into 1, यानी कि 4 meter per second square। इसका मतलब ये है कि इस वाले ब्लॉक के नीचे, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी फ्रिक्शनल सरफेस होती है तो उस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, आगे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, μmg। तो इसका एक्सेलरेशन देखो, इस ब्लॉक को तो केवल फ्रिक्शन का सहारा है, इस ब्लॉक को केवल फ्रिक्शन का सहारा है, और फ्रिक्शन इस पे लगेगा आगे, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, μmg। तो फ्रिक्शन इस वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना दे सकता है, μmg/m, μg एक्सेलरेशन दे सकता है, और μg की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, μ × 10, यानी कि μ × 10, और वो μg कौन सा, μs × g, तो μs × 10 इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन ये ले ही नहीं सकता। अब कार का एक्सेलरेशन कितना है, 4। अगर कार का एक्सेलरेशन, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कार का तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ये दिख रहा है हमें, कार का एक्सेलरेशन तो बढ़ेगा, लेकिन ये 4 से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं ले सकता। इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 पे अगर ये स्लिप होना शुरू हो गया है तो t इज इक्वल टू 1 पे इसका एक्सेलरेशन 4 हो चुका है, किसका, ब्लॉक का, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन है μs × 10, इसकी वैल्यू हो गई है 4, तो यानी कि μs की वैल्यू इज 0.4। तो एक काम तो हमारा बहुत जल्दी हो गया है, ये तो बहुत जल्दी हो गया। तो ये सवाल अगर 4 नंबर का सवाल था तो यहां पे बस 1 नंबर का काम हुआ है। अभी मेन चीज है आगे वाला, नेक्स्ट वाला। अब ये बोल रहा है कि भाई 2 सेकंड बाद तो एक्सेलरेशन खत्म, ठीक है, सही। वेलोसिटी कितनी, 8, वेलोसिटी यहां से निकाली है 8। अब ये 8 पे ही कंटिन्यू रहता है, 8 पे ही क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, लेकिन t इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है ना, क्योंकि वो तो स्लिप हो रहा था ना, t इज इक्वल टू 3 पे ये वाली कार फिर से,
ठीक है ना, ये वाली कार जो है इस पे ये बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 3 पे फिर से स्टॉप हो जाता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, t इज इक्वल टू 3 पे फिर से स्टॉप हो जाता है, t इज इक्वल टू 1 पे स्लिपिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। अब कार तो जा रही है और वो पीछे की तरफ स्लिप हो रहा है, कार आगे की तरफ जा रही है, ठीक है ना, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन बंद हो गया, कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है लेकिन वो स्लिप होता जा रहा है पीछे की तरफ। अब थोड़ी देर में, ठीक है ना, ये जो ब्लॉक है स्टॉप हो गया। इमेजिन करना कार की स्पीड कितनी है 8 और ब्लॉक पीछे की तरफ स्लिप हो रहा है, कार की स्पीड आगे की तरफ 8 है, तो इस वाले ब्लॉक की स्पीड अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है ना, तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। अब बात को ध्यान से समझना आप, t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी थी, t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी थी 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 m/s², यानी कि ब्लॉक की वेलोसिटी जब 2 m/s थी तब उस पे आगे की तरफ जो फ्रिक्शन लगना शुरू हुआ है वो था μs × g, यानी कि 0.4 × 10, 4 का एक्सेलेरेशन लगना शुरू हुआ, लेकिन स्लिपिंग शुरू होते ही ये 4 नहीं रहा, ये तो अब म्यू के हो गया, तो म्यू के इंटू जी उस पर एक्सेलरेशन लगा है। कब से? t इज इक्वल टू वन से तो वो स्लिप होने लगा ना, ब्लॉक को इमेजिन करो, ब्लॉक t इज इक्वल टू 1 पे स्लिप होने लगा, तो स्लिपिंग होते टाइम एक्सेलरेशन कितना लगता है, म्यू के इंटू जी, ठीक है ना, और t इज इक्वल टू 1 पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी आगे की तरफ 2 m/s थी और 3 सेकंड पे ये इस पे रुक भी गया है। 3 सेकंड पे स्टॉप होने का मतलब है कि t इज इक्वल टू 3 पे इसकी वेलोसिटी ब्लॉक की भी 8 हो चुकी है, केवल ब्लॉक की वेलोसिटी भी कितनी हो चुकी है 8 m/s हो चुकी है, तभी तो ऑन कार स्टॉप होगा। ऑन कार स्टॉप होने का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी 8 हो चुकी है, यानी कि t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 3 में इसकी वेलोसिटी 2 से 8 हो चुकी है, तो इस पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो 8 इज इक्वल टू 2 + a × t, t की जगह कितना होगा 3 − 1, ठीक है ना, तो 2 + a × 2 = 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है ना, और a कितना आ गया म्यू के इंटू जी, तो म्यू के की वैल्यू आ गई आपकी, सॉरी a की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 आई ना वैल्यू, तो भाई ये तो 8 − 2 और 6/2 हो गई, तो म्यू के इंटू जी इज इक्वल टू 3/10, तो यहां से म्यू के की वैल्यू आ गई 0.3, ये यहां पे हो गया। अब ये सवाल ऐसे लगते हैं कि सर ये तो आसान था, ये तो हो जाएगा, बेटा इमेजिन करना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है इसको कि हुआ क्या है, रिलेटिव मोशन चल रही है ना यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आप लोगों के इस पे सर, हाँ इस पे जब ये 0.3 निकालोगे तो समझ लो प्लस के 3 नंबर अब आएंगे, तब जाके आपके 1 + 3 = 4 मार्क्स होंगे। म्यू एस और म्यू के निकाल लेते, इसमें क्या कुछ समझ आया आप लोगों को, अगर इसको धीरे 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 समझोगे। सर t इज इक्वल टू 3 पे वी 18 होगी, नहीं बेटा नहीं 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 नहीं, उसने कहा है कि t इज इक्वल टू 2, ये देखो 0 से लेके 2 सेकंड तक ये चीजें वैलिड रहती हैं, 2 सेकंड के बाद तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाती है। आपने क्या किया होगा t में 3 की वैल्यू डाली और ये कितना हो गया 2, 9 × 2 = 18 नहीं, बस 2 सेकंड तक ही कंटिन्यू रहे, देखो v इज इक्वल टू 8 कंटिन्यू रहेगी, 0 से लेके 2 सेकंड तक ही ये सारी चीजें वैलिड हैं, इसलिए 8 जैसे ही वेलोसिटी उसके बाद 8 कांस्टेंट रही। सर इक्वेशन मोशन कैसे 1 से 2 के बीच तो ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं 1 से 2 के बीच ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, अगर मैं ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं तो
तो ब्लॉक भाई इस तरफ, ब्लॉक पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है म्यू के इंटू एम इंटू जी, और ब्लॉक का की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 है एट टी इज इक्वल टू 1। टी इज इक्वल टू 1 पे ब्लॉक की वेलोसिटी तो 2 है और उस पर आगे की तरफ फोर्स इतना लग रहा है, तो उस पर आगे की तरफ एक्सेलेरेशन कितना लगेगा, आगे की तरफ एक्सेलेरेशन कितना लगेगा, म्यू के इंटू एम इंटू जी और डिवाइडेड बाई एम, तो म्यू के इंटू जी इतना एक्सेलेरेशन उस पर आगे की तरफ लगेगा। तो गाड़ी जो है नीचे की कार तो तेज चल रही है और वो अपने नीचे के एक्सेलेरेशन के हिसाब से बढ़ रहा है। 2 सेकंड तक वेलोसिटी 8 हो गई है पर ब्लॉक तो अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, कार की वेलोसिटी 8 हो गई है, ब्लॉक अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, और कार की वेलोसिटी जैसे ही 8 हुई तो कार की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो गई उसके बाद, ठीक है। हाँ, कार की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो गई उसके बाद। अब कार की वेलोसिटी 8 पे कॉन्स्टेंट हो गई और जो ये ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा इसका एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इसका जो एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को 8 पे पहुंचा देगा और 8 पे पहुंचते ही ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुक जाएगी, ठीक है। अब इसका अगर मैं आपसे ग्राफ पूछूं, ग्राफ बना दो किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम दोनों का, ठीक है ना। ये नंबर मैं डाल रहा हूं आपके पास 5 नंबर का, ये क्वेश्चन मैं आपको 5 नंबर का दे रहा हूं, ठीक है ना, केवल ग्राफ। अगर एडवांस के प्लस के 5 नंबर ले जाओ, ठीक है ना, और ग्राफ बना के दे दो मुझे दोनों का, ठीक है ना, कार एंड ब्लॉक, कार एंड ब्लॉक का वेलोसिटी वर्सेस टाइम मुझे ग्राफ बना के दे दो आप, मैं फैन हो जाऊंगा आपका, और 5 नंबर एडवांस के ले जाओ ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से जाओ, ठीक है। और इसके लिए केवल 2 मिनट का टाइम है, ये लो क्वेश्चन भी दिखा देता हूं मैं, ये लो क्वेश्चन भी ले लो। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना दो आप कार और इस ब्लॉक का, मैं आपका फैन हो जाऊंगा 5 नंबर एडवांस के, जाओ 2 मिनट का टाइम है। अब मैं ग्राफ बता रहा हूं आपको, ठीक है, जिनका मैच कर जाएगा, अगर आपका ग्राफ मैच कर गया तो प्लस के 5 नंबर ले जाना, वो भी एडवांस वाले मेरी तरफ से, ठीक है। चलो अब मैं बता रहा हूं आपको ग्राफ, ठीक है, इस एक्सिस पे हम वेलोसिटी प्लॉट करेंगे, इस पे टाइम प्लॉट करेंगे। भाई कार का क्या है 2t² वेलोसिटी का, तो भाई 2t² का ग्राफ कैसा आएगा, ये तो कार का ग्राफ हो गया, लेकिन कब तक का, बस 2 सेकंड तक का। तो भाई कार 2 सेकंड तक इसी पाथ को फॉलो करती रहेगी, कार जो है 2 सेकंड तक इसी पाथ को फॉलो करती रहेगी, ये 2 सेकंड हो गए और 2 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, और ये वाली वेलोसिटी कितनी है भाई 8, तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया कार की वेलोसिटी का ग्राफ, कार की वेलोसिटी इस हिसाब से बढ़ती रही, ठीक है ना, और ये कितना टाइम हो गया, ये हो गया आपके 2 सेकंड, ये हो गया राइट। अब 1 सेकंड पे क्या होता है, 1 सेकंड तक तो ब्लॉक भी यही रहा, 1 सेकंड तक ब्लॉक भी ऐसे ही चला है, ठीक है भाइयों, ठीक है ना, 1 सेकंड तक ब्लॉक भी इसके साथ 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 ऐसे ही चला है, और उसके बाद जो ब्लॉक है, ठीक है ना, उसके बाद जो ब्लॉक है वो 3 सेकंड तक अपनी वेलोसिटी को ऐसे बढ़ाया है स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। जिसको समझ में आना है उसको आ गया होगा, ये स्ट्रेट लाइन है,
ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये पैराबोला, क्योंकि कार के साथ साथ रहा है वो एक सेकंड तक, ठीक है ना। और भाई उसके बाद क्या हुआ? हाँ सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर कार के साथ साथ, क्वेश्चन खत्म। सेम टू सेम मैच कर गया है सर, बस तो ले लो 5 नंबर, एडवांस वाले 5 नंबर ले लो। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पूरा समझ जाते हैं ना बेटा, तो कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद, कुछ भी कर सकते हैं। एडवांस का लेवल होना तो दिमाग का रिलैक्स होना है। अगर हम ज़्यादा रिलैक्स और शांत रहेंगे तो हम एडवांस की तरफ ज़्यादा पहुँचेंगे। हमें क्वेश्चन पूरा भली भांति समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है इसमें, और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए, ठीक है। एक सेकंड पे स्लीपिंग स्टार्ट हो गई और वो ऐसे चला गया, दैट्स इट। वो स्ट्रेट लाइन में जाके वहां जाके 3 सेकंड पे फिर उसके बराबर हो गया, ठीक है। चलो अब समझ आ गया, गुड। कार का मैच हो गया, बट ब्लॉक का फर्स्ट तक क्या? देखो भाई, अगर कार का सही है तो आप प्लस का 1 नंबर ले लो, ठीक है। पार्शियल मार्किंग बहुत कम होती है। अगर कार का आपने सही कर दिया तो प्लस का 1 नंबर ले लो, क्योंकि कार का ग्राफ सही करना भी एक लेवल है, ठीक है ना। और आपने ब्लॉक का सही कर दिया, दोनों का सही कर दिया, तो 5 नंबर ले लो। ओके सर, स्ट्रेट लाइन बता दीजिए। स्ट्रेट लाइन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा म्यू के इंटू जी, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई अगर ये पूछा जाए कि भाई ये वाला स्लोप कितना है, तो दिस स्लोप इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, राइट राइट ओके। दूसरी चीज, अगर इस जगह पे आप देखो, इस जगह पे, तो इस जगह पे ग्राफ यूं है, फिर उसके बाद यूं है, तो अगर ये वाला स्लोप देखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 निकलेगा, और ये वाला स्लोप देखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 निकलेगा, क्योंकि कर्ड पाथ म्यू के इंटू जी इज इक्वल टू 4 था जस्ट बिफोर 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड से जस्ट पहले स्लोप 4 था, अब 3 है। स्लोप भी तो 4 से 3 हो गया जैसे ये झटका लगा, ठीक है ना भाई। यहां पे देखोगे तो ये अब तक तो यूं जा रहा था, उसके बाद यूं जा रहा है। यहां पे स्लोप 4 है और यहां पे स्लोप 3 है, जिसको समझ में आया उसको आ गया होगा। इसलिए बोल रहा हूं प्लस के 5 नंबर ले लो। जिसने ये ग्राफ बना दिया, सिलेक्शन 100% श्योर है आपका, अगर ये ग्राफ आपका सही हो गया।